नमस्कार, आप सबका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा देशवासियों को नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक तोहफा दिया है। दशहरे पर्व को देखते हुए हवाई यात्रा सस्ती हो रही है। मोदी सरकार ने विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है और विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम कर 11% कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार विमान ईंधन की लागत से प्रभावित हुए विमान उद्योग को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत की एयरलाइंस कंपनियाँ बढ़े ईंधन लागत से परेशान थी और अब सरकार इसे कम करके थोड़ी राहत दे रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इसे कम करने से एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी यात्रा दरों में कमी कर सकती हैं, जिससे यात्रियों को सफर में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। गौरतलब है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। और सितंबर माह से सरकार ने हवाई यात्रा के लिए उपयोग होने वाले ईंधन की लागत में कटौती करने का फैसला लिया है, जो मान्य होने जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि शुल्क में कटौती 11 अक्टूबर से प्रभाव में आएगी।